महापर्व छठ पर्व पर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ पड़ोसी राज्य नेपाल में भी बड़ी संख्या में लोग सूर्य उपासना का महापर्व छठ बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। प्रदेश के सुदूर राज्य से लोग छठ पर्व को मनाने अपने घरों को आते हैं, जिससे ट्रेनों में काफी भीड़ उमड़ पड़ती है। यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए, इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने भी काफी तैयारी की है। यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CPRO संजय यादव ने बताया कि जिन यात्रियों को नियमित ट्रेनों में जगह नहीं मिल पा रही है, वो परेशान ना हो, उनके लिए विशेष ट्रेन चलाई गई है। उन्होंने कहा कि छठ त्योहार मनाने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस संबंध में CPRO संजय यादव ने बताया। अब देखिए, छठ पर जैसा कि आप जानते हैं स्टेशनों पर बहुत भीड़ होती है। बहुत सारे जो हमारे छठ मनाने वाले लोग हैं वो अपने घरों को आते हैं और छठ के बाद वापस जाते हैं अपने अपने जहाँ जहाँ उनको जाना रहता है। इसके लिए रेलवे बड़े पैमाने पर रेलवे ने तैयारी की है, जिसमें कि स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में सिक्योरिटी पर्सनल, चाहे वो प्लेन क्लोथ में हो या यूनिफॉर्म में हो, उनकी व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके अलावा जो मैनिंग हम लोगों ने जो है स्टेशनों पर वो बढ़ा दी है, ट्रेनों में भी मैनिंग बढ़ा दी है। मैनिंग से मतलब जो लोग क्राउड कंट्रोल करते हैं, लगातार स्टेशनों पर अनाउंसमेंट करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हम लोग छठ के लिए और उसके आसपास के त्योहारों के लिए बहुत सारी विशेष गाड़ियाँ चला रहे हैं। अगर नियमित गाड़ी में स्थान नहीं है तो हमारी सम्मानित यात्रीगण से हमारा ये निवेदन है कि स्पेशल गाड़ियों में अपना टिकट बुक कराएं और अपने त्यौहार को अपने परिजनों के साथ मनाएं।